नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे महाविद्यालय हैं जो कट ऑफ के आधार पे एडमिशन लेते हैं, यानी कि एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होता है और कट ऑफ के आधार पे भी जो है आपको एडमिशन मिलता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अगले साल जो आपके एडमिशन होने हैं तो उसके लिए जो है आपकी एक संयुक्त परीक्षा होगी, यानी कि कट ऑफ के आधार पे जो एडमिशन होते थे उनको जो है यहाँ पर समाप्त किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, उनको समाप्त किया जाएगा और जो अब आपके एडमिशन होंगे वो डायरेक्ट जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू होंगे। जितने भी विश्वविद्यालय लगभग इसके अंदर आने हैं उन सबको शामिल करके फिर जो है NTA एक संयुक्त परीक्षा जो है आयोजित करवाएगा और उसमें जो है फिर आपके कितनी कट ऑफ जाती है या फिर कट ऑफ के आधार पर जो है आपका एडमिशन होगा। बट दोस्तों, अभी जो एडमिशन होते हैं, जैसे कि मैं ड्यू की बात करूं तो जैसे कि कट ऑफ के आधार पे जो है आपके एडमिशन होते हैं बैचलर कोर्स के अंदर। बट दोस्तों, नेक्स्ट ईयर जो है इस तरह से होगा कि जो है NTA एक संयुक्त परीक्षा आपकी करवाएगा, सभी जो विश्वविद्यालय इसके अंदर शामिल होंगे उन सबको जो है शामिल करके, और फिर जो है आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम ये संयुक्त रूप से कंडक्ट करवाएगा। तो दोस्तों, इस साल तो शायद ये नहीं होगा, बट नेक्स्ट ईयर जो है ये प्रोसेसिंग चलने वाली है। तो कट ऑफ का जो मामला है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा और जिन लोगों के जो कम परसेंटेज है वो भी यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर होता यह है कि मान लीजिए कि कोई ड्यू के अंदर अप्लाई करते हैं तो ड्यू की आप यदि देखो तो जो कट ऑफ जाती है वो 98 तक चली जाती है। तो जिनके 98% नहीं है वो उनका जो है एडमिशन कट ऑफ के आधार पर नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर जो है अब आपका जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा और एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू जो है आपका एडमिशन होगा जिस महाविद्यालय में आप जो है एडमिशन लेना चाहते हो वहाँ पर जो आपका एडमिशन होगा। तो दोस्तों, हमारे पास यही एक अपडेट थी। आई होप कि ये अपडेट आपको पसंद आई। दोस्तों, अगर पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करिएगा और इसी प्रकार की वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। दोस्तों।